स्थानीय वर्धा जिले के जामठा गांव में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम मॉडल स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन सचिन पावड़े बाल रोग विशेषज्ञ ने वृक्षारोपण के साथ किया और कार्यक्रम का आयोजन जल जीविका संस्था एवं बायफ संस्था के तत्वावधान में किया गया। इस वक्त गणेश तुरस्कर ने उपस्थित महिलाओं को रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के महत्व के बारे में बताया और बताया कि कैसे कम पानी में कम जगह में मछली पालन का व्यवसाय किया जा सकता है। यह रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जल जीविका संस्था पुणे के तकनीकी मार्गदर्शन में स्थापित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और छोटे किसानों को स्थायी रोजगार प्रदान करना था। जल जीविका संस्था के परियोजना निदेशक पद्माकर बोसा, बायफ संस्था के संजय बाबुलकर, डॉक्टर सचिन पावड़े, गणेश तुरस्कर, दीपक तपासी, दामिनी अखंड, आरती पुसतकर, स्वीटी मुनेश्वर एवं ग्राम महिला स्व सहायता समूह की विशेष भागीदारी रही। कार्यक्रम के माध्यम से मानव विकास की अवधारणा को साकार करने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार वैश्विक पर्यावरण की उचित देखभाल करके पर्यावरण संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज।